नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ओम्स लॉ में जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा गया है आज हम उसी के बारे में बताएंगे। ये काफी छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है। तो ओम्स लॉ में सबसे पहले देख लेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो ओम्स लॉ आपको पता होगा भी बराबर आई आर, आपने पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ में ओम का नियम क्या था। इनका कहना था विभवांतर जो है वो प्रवाहित धारा और रेसिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी धारावाहिक चालक तार में प्रवाहित धारा और रेसिस्टेंस का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, यानी विभवांतर के बराबर होता है। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर आई इंटू आर, यानी आपको धारा का मान दे देगा, रेसिस्टेंस का मान दे देगा और विभवांतर पूछेगा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। यदि भी बराबर आई आर हो गया तो क्या आप लिख सकते हैं आई बराबर भी बटे आर, तो कहेंगे हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जब भी बराबर आई आर हो गया तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आर हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला एक कभी कभी पूछता है आपको, कार्य विभवांतर एवं आवेश से संबंधित सवालें, कार्य विभवांतर और आवेश से संबंधित सवालें, तो वहां गौर कीजिएगा। विभवांतर बराबर वहां फॉर्मूला होता है विभवांतर बराबर W बट्टा क्यू, यानी भी बराबर W बट्टा क्यू होता है। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी इधर से एक फॉर्मूला हो गया भी बराबर आई आर, यानी विभवांतर निकालना रहेगा तो धारा में रेसिस्टेंस से गुना कर देंगे। और एक होता है यदि आपको कार्य विभवांतर और आवेश का रिलेशन से सवाल पूछे तो विभवांतर बराबर यानी भी बराबर फॉर्मूला होता है डब्लू बट्टा क्यू। भी बराबर क्या होता है, डब्लू बट्टा क्यू। यदि मान लीजिए कार्य आपसे पूछेगा, यदि भी बराबर डब्लू बट्टा क्यू होता है तो डब्लू बराबर क्या लिख सकते हैं, भी इंटू क्यू। अरे जब बाबू भी बराबर W बट्टा Q होता है तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। तो इसी तीनों चारों फॉर्मूला का यूज करके आप ओम्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा गया है वो आपसे बनेगा और आपके एग्जाम में भी जो पूछा जाएगा उम्मीद करेंगे वो आपसे बन जाएगा। लेकिन इसको दिमाग में नोट कर लेंगे या कॉपी पर लिख भी लेंगे ताकि बाद में रिविजन करना आपके लिए आसान हो जाए। तो कौन सा है भाई, एक भी बराबर आई आर या आई बराबर भी बट्टे आर। दूसरा क्या हो जाएगा, विभवांतर बराबर डब्लू बट्टे क्यू, यानी भी बराबर डब्लू बट्टे क्यू या डब्लू बराबर भी इंटू क्यू। पक्का ना? चलिए अब आते हैं सवाल पर कि किस तरह का न्यूमेरिकल सर पूछा गया है। तो देखिए ग्रुप डी 2018 में यह पूछा गया सवाल है। आपके सामने जो सवाल दिख रहा है ये ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप लोग जुड़ने में लेट क्यों करते हैं, आपको बताया गया कि पक्का 8 बजे आना है तो आप आते हैं 5 में 10 में, ये मामला गड़बड़ बात है। आप एकदम टाइम से आया कीजिए और टाइम से देखिए, क्योंकि सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बताते हैं और यदि फॉर्मूला आपको पता रहता है तो आसानी से आप न्यूमेरिकल बना पाते हैं और आपको समझने में भी मन लगता है, नहीं तो बाद में उबाऊ लगेगा। इसलिए आप लोग टाइम से आया कीजिए और टाइम से पढ़िए, क्योंकि आपको पता है आपकी जिंदगी में आपके मेहनत के अलावे आपके पास और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो फल आपको मिलेगा। आप अपनी कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल अच्छा ही मिलेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। इसलिए आप अच्छा कर्म कर रहे हैं अच्छा फल मिलेगा, इसलिए थोड़ा समय समय से आकर बढ़िया से पढ़िए। क्लियर? अब देखिए बाबू इस सवाल क्या कहता है, एकदम आराम से देखिए। सवाल में जो डाटा दिया है पहले उसको लिखिए, जो निकालना है उसका फॉर्मूला बैठाइए, पट पट बैठाइए, सट सट काटिए, खट खट आंसर आ जाएगा। तो देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है यदि दो बिंदु के मध्य 3 कूलम्ब का आवेश ले जाने के लिए, कितने आवेश को ले जाना है, 3 कूलम्ब का आवेश ले जाना है, यानी आपको क्यू का मान कितना दे दिया, 3 कूलम्ब दे दिया। कहता है ले जाने के लिए कार्य की मात्रा 72 जूल है, यानी डब्लू का मान कितना दे दिया, 72 जूल। कहता है 3 कूलम्ब आवेश को ले जाने के लिए कार्य की मात्रा कितना जूल है, 72 जूल है, तो बताइए कि विभवांतर क्या होगा। यानी आपसे भी का मान पूछा कि बताइए विभवांतर का मान क्या होगा, तो नहीं निकलेगा। अभी एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे भी बराबर डब्लू बट्टा क्यू, याद है, जब भी बराबर डब्लू बट्टा क्यू फॉर्मूला होता है और विभवांतर पूछा, डब्लू का भी मान दिया है और क्यू का भी मान दिया है, तो मान बैठाइए
W का मान कितना भाई है? 72 है, और Q का मान कितना है? 3 है। तो 72 में 3 से डिवाइड कीजिए जल्दी, 72 में 3 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 24 वोल्ट है। किसी ऑप्शन में 24 वोल्ट? ऑप्शन नंबर ए में है, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 वोल्ट। ये आप लोगों से भी बनना चाहिए, यदि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे और इसको बनाएं तो यकीन मानिए कि आपसे भी ये सवाल बनना चाहिए। यदि नहीं बनता है इसका मतलब आप लेट से जुड़ते हैं, आपको फॉर्मूला नहीं पता है, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी बता चुके थे कि विभवांतर कार्य और आवेश में संबंध क्या है, कि विभवांतर जो है कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है, यानी भी बराबर W बटा Q, और W बराबर भी Q। अब W Q दिया था, भी पूछा, तो भी बराबर W बटा Q किए, 72 बटा 3 का मतलब कितना हो गया? 24 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, और आपके ग्रुप डी के एग्जाम में यह पूछा गया सवाल है। इस तरह के सवाल आप बताइए जल्दी कॉमेंट करके, यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा बनेगा नहीं कि बनेगा, पक्का बनेगा ना, एकदम 100% बन जाए। यस सर। चलिए बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह समझ में आता है हमारी ये पूरी सेशन, तो आप लोग शेयर मैक्सिमम कीजिए, जितना संभव हो सके आप लोग शेयर लगातार करते रहिए, ताकि हर बच्चों तक हमारी ये मैसेज चला जाए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए शेयर करने, ताकि पूरा देश पढ़ेगा, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड जो है वो शिक्षा ग्रहण करेगा। क्लियर? पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत, नहीं शिक्षा से क्रांति लाने का काम हम लोग करेंगे, और ये शिक्षा की क्रांति जो है यही सबसे बेहतर क्रांति होगा, इसके अलावा कोई क्रांति काम नहीं करेगा, क्योंकि समाज को बदलना है तो समाज के लोगों को शिक्षित करना होगा, उसके लिए एक अच्छे शिक्षकों की जरूरत है। और यदि आपके दोस्त साइंस और स्टैटिक की दुनिया में एक अच्छे शिक्षक की तलाश में होगा, तो यकीन मानिए हम पर आकर उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। क्लियर? 100% आपको समझ में आ रहा है ना बउआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? यह सवाल आपसे खुद बनना चाहिए। कहिएगा काहे मास्टर साहेब? क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। क्या दिया हुआ है? कहता धारा जो है 10 एम्पीयर और प्रतिरोध कितना है? 50 ओम। तो बताइए विभवांतर का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आई का मान कितना दे दिया? आई का मान दे दिया 10 एम्पीयर, और आर का मान कितना दे दिया? आर का मान दे दिया आपको 50 ओम। तो आपसे सवाल क्या पूछा? भी बराबर वाट, यानी विभवांतर क्या होगा? तो अभी हम फॉर्मूला क्या बताए थे ओम्स लॉ में? भी बराबर आई इंटू आर। तो जब भी बराबर आई इंटू आर होगा, तो आई का मान कितना दे दिया? 10 दे दिया। आर का मान कितना दे दिया? 50 दे दिया। इसलिए भी का मान कितना होगा? भी का मान हो जाएगा 500 वोल्ट। है किसी ऑप्शन में 500 वोल्ट बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर क्या होगा? 500 वोल्ट, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है भी बराबर आई इंटू आर। आई का मान दिया था, आर का मान दिया था, और आपसे पूछा क्या था? भी का मान। तो भी बराबर आई आर, यानी 10 गुने 50 बराबर कितना? 500 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एकदम आराम की से देखिए। यह सवाल कहता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को के टर्मिनलों के विभवांतर 60 वोल्ट है। कितना वोल्ट है भाई? विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाए, तो हीटर में धारा क्या होगा? यानी इसमें पहला धारा का मान दे दिया, पहला विभवांतर का भी मान दे दिया, दूसरा विभवांतर का भी मान दे दिया, और आपसे क्या पूछा? दूसरा धारा। तो इसमें हम आपको बताए थे, देखिए V1 का मान कितना दे दिया? 60 वोल्ट दे दिया। I1 का मान कितना दे दिया? 4 दे दिया। V2 का मान कितना दे दिया? 150 दे दिया। तो आपसे क्या पूछा? I2 बराबर वाट, यानी दूसरा धारा क्या होगा? फॉर्मूला क्या बताए थे इसमें? भी बराबर आई आर। जब भी बराबर आई इंटू आर होता है और रेसिस्टेंस का चर्चा ही नहीं किया, तो भी बराबर क्या होगा? आई। तो आप इसको लिख सकते हैं V1 बट्टा V2 बराबर I1 बट्टा I2। क्या लिख सकते भी बराबर आई को? V1 बट्टा V2 बराबर I1 बट्टा I2। अब इस 4 में से 3 का मान दिया है और चौथा के बारे में पूछा ना, पट पट मान बैठाइए, सट सट आंसर आ जाएगा। मान बैठाइए V1 का मान कितना भैया रे? यहां बैठा देते इधर इस साइड में, इसका मान हो गया 60 बट्टा कितना? 150। 60 बट्टा 150 बराबर 4 बट्टा I2, यही ना हो?
देखो ना 60 बट्टा 150 बराबर 4 बट्टा आई टू, चूंकि भी वन का मान दिया था, भी टू का मान दिया था, आई वन का मान दिया था, पूछा था आई टू का मान, तो आई टू को आई टू ये मान लिए, जो मान आएगा वही आंसर होगा। अब देखिए काट दीजिए तो 15 चौके 60, तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 आई टू बराबर 150, इसलिए आई टू का मान कितना होगा, 15 एकम 15 यानी 10 बार में कट जाएगा, तो I2 का मान कितना हो गया, 10 एम्पियर है। किसी ऑप्शन में क्या 10 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर क्या होगा 10 एम्पियर। देखिए क्या क्या दिया हुआ था, V1 का मान दिया था, I1 का मान दिया था, V2 का मान दिया था, और आपसे पूछा I2 का मान, आराम से निकाल लिए, V1 बट्टे V2 बराबर I1 बट्टे I2, 60 बट्टे 150 बराबर 4 बट्टे I2, इसको काट दिए 15 बार में, इसको काट दिए 10 बार में, तो आंसर कितना हो गया 10 एम्पियर। और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्का ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए भाई ये अगला सवाल क्या कहता है, एकदम गौर फरमाना, ध्यान लगाना, ये अगला सवाल कहता है यदि तार का प्रतिरोध 750 ओम है, यानी आर का मान कितना दे दिया, रेसिस्टेंस जो है आपको ये 750 ओम दे दिया, रेसिस्टेंस कितना ओम दे दिया, 750 ओम दे दिया, कहता है 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर तार में कितना धारा प्रवाहित करेगा, और विभवांतर कितना दे दिया, भी का मान कितना दे दिया, 220 वोल्ट दे दिया, तो पूछा क्या आई बराबर हुआ, तो फॉर्मूला पता है भी बराबर आई इंटू आर, जब भी बराबर I इंटू आर होता है तो I पूछा तो I बराबर क्या होगा V बट्टे R, यानी जब I बराबर V बट्टे R होगा तो मान बैठा दीजिए V का मान कितना, V का मान है 220 वोल्ट, R का मान कितना, R का मान 750। अब क्या कीजिए इसको और इसको काट दीजिए, बच गया 22 बट्टा 75, तो बताइए I का मान कितना होगा 22 बट्टा 75। अब क्या कीजिए 22 में आप 75 से भाग दीजिएगा, तो सबसे पहले तो दशमलव लगा के जीरो दीजिए, अब डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दो उसके बाद तीन, 75 दूना 150 और 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.29 एम्पियर है। किसी ऑप्शन में क्या 0.29 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर क्या होगा बाबूरे 0.29 एम्पियर। कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं ना, चलिए तो ये सवाल बन गया होगा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ था, आर का मान दिया था, विभवांतर भी दिया था, आई पूछा तो भी बराबर आई इंटू आर, इसलिए आई बराबर भी बट्टे आर, भी बट्टा आर किए, मान बैठा दिए, काट दिए, आंसर आ गया 0.29, कोई कंफ्यूजन। चलिए तो इस तरह के सवाल ओम्स लॉ से पूछा जाता है, और ये टॉपिक जो ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप पढ़ रहे थे ये समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं इस तरह के टॉपिक से यदि सवाल आपके एग्जाम में होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आज हम आपकी सेवा रोकते हैं, अगले क्लास में फिर कल मुलाकात होगी रात के 8 बजे इसी समय। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।